नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पंजाब किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की बेहद ही रोमांचक जीत के बाद पॉइंट टेबल का समीकरण आखिरकार किस हद तक बदला है और कौन सी टीम किस स्थान पर पहुंच गई है, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हो कि गुजरात टाइटंस की टीम पंजाब किंग्स की टीम से ज्यादा बेहतर है तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2022 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेला गया, जहां इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए थे। हालांकि दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले को बेहद ही रोमांचक ढंग में जीती। दरअसल दोस्तों, एक समय तो ऐसा था कि गुजरात टाइटंस की टीम हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद इस मुकाबले को पूरी तरह से हार चुकी था, लेकिन फिर जब हार्दिक के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे राहुल तेवतिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तो पंजाब किंग्स की टीम को इस मुकाबले में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और अंतिम गेंद में जीतने के बाद यहां गुजरात टाइटंस की टीम ने इतिहास रच दिया और पॉइंट टेबल में कुछ ऐसी लंबी छलांग लगाई कि जिसे देखने के बाद आपको भी यकीन नहीं होने वाला है। जी हां दोस्तों, तो आइए चलिए अब हम आपको पूरी पॉइंट टेबल दिखाते हैं कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी किस स्थान पर पहुंच चुका है। तो जैसे कि आप सब यहां पर पॉइंट टेबल देख सकते हो कि पहले नंबर पर यहां पर आते हैं केकेआर की टीम, जहां पर केकेआर ने 4 मुकाबले अभी तक खेले और 3 मैचों में उन्हें जीत मिली और एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एक हार के साथ केकेआर की टीम 6 पॉइंट्स लेकर पहले पायदान पर मौजूद है। तो वहीं बात करें अगर दूसरी टीम के बारे में, जो दूसरी टीम निकल कर आती है वो है गुजरात टाइटंस की टीम, जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम ने 3 मुकाबले अभी तक खेले और तीनों में ही जीत उन्हें मिली है और शानदार नेट रन रेट और 6 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे नंबर पर है। तो वहीं बात करें अगर तीसरी टीम के बारे में, जो तीसरी टीम निकल कर आती है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 4 मुकाबले अभी तक खेले और 3 मैचों में इन्हें जीत मिली और एक में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम चौथे नंबर पर इस लिस्ट में आती है, जिन्होंने 3 मुकाबले अभी तक खेले और 2 में इन्हें जीत मिली और 1 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और 4 पॉइंट्स के साथ ये चौथे नंबर पर है। तो वहीं बात करें अगर पांचवी टीम के बारे में, जो पांचवी टीम निकल कर आती है वो है आरसीबी की टीम, जहां पर आरसीबी की टीम ने 3 मुकाबले अभी तक खेले और 3 में से 2 में इन्हें जीत मिली और 1 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं छठे नंबर पर निकल कर अब आ चुकी है पंजाब किंग्स की टीम। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम ने अभी तक 4 मुकाबले खेले और 2 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 2 मुकाबलों में इन्होंने जीत हासिल की और 4 पॉइंट्स के साथ पंजाब किंग्स की टीम छठे नंबर पर है। तो वहीं बात करें अगर सातवीं टीम के बारे में, जो सातवीं टीम निकल कर आती है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर दिल्ली की टीम ने 3 मैच अभी तक खेले और 1 में इन्हें जीत मिली और 3 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं नौवें नंबर पर है मुंबई इंडियंस की टीम और दसवें नंबर पर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। तो ऐसे में दोस्तों, यही है पूरी पॉइंट टेबल समीकरण जो कि अभी हमने आपको दिखाया। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय इस पॉइंट टेबल को देखने के बाद और आपको क्या लगता है कि क्या पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई और मुंबई जैसी टीमें टॉप 4 में इस बार जगह बना पाएंगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।